यार मैंने एक हफ्ते पहले इंस्टाग्राम पर सभी के मैसेज का रिप्लाई दे रहा था, तो मैंने देखा काफी लोगों का मैसेज आया हुआ है कि भाई इलेक्ट्रिकल शॉप पे एक वीडियो बनाओ और उसका बेसिक स्टॉक लिस्ट हमें भी प्रोवाइड कराओ। इससे पहले बेसिक स्टॉक लिस्ट पे हमने दो वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, दोनों वीडियो इसी चैनल पे है। पहला पेंट शॉप बेसिक स्टॉक लिस्ट, दूसरा हार्डवेयर शॉप बेसिक स्टॉक लिस्ट। बेसिक स्टॉक लिस्ट में वैसे होता क्या, हमारे हम जो हमेशा चलते हैं सामान, जैसे कुछ लोग होते हैं अपना पूरा लिस्ट बना लेते हैं जो हार्डवेयर शॉप का है, सारा सामान खरीद के ले आए, कुछ चीजें बिक गई, कुछ चीजें रखी रह गई, आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग जाता है इसमें। तो हम क्या करते हैं कि 4 या 5 शॉप को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सब पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं पूछ पूछ के, जो जो उसका दुकान का मेल होता है हमेशा चलते हैं जो तो उसे हम अलग करके एक नया लिस्ट बना के रेडी कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग का काम ये होता है कि आपके दुकान में वो सामान रहे जो कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा चलते हो, हर सीजन में चलने वाले सामान रहे, तो वो हमारी बेसिक स्टॉक लिस्ट होती है। तो काफी लोगों ने कहा भैया पेंट शॉप का बेसिक स्टॉक लिस्ट से बहुत पसंद आया। वैसे तो हमने 200 से भी ज्यादा लोगों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया है पेंट स्टॉक और हार्डवेयर स्टॉक की बेसिक लिस्ट। तो अगर आपको नहीं मिला, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके हमसे वो लिस्ट ले सकते हो, अगर आप पेंट शॉप खोलना चाहते हो या फिर हार्डवेयर शॉप खोलना चाहते हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल शॉप खोलना चाहते हो तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आपको भी बेसिक स्टॉक लिस्ट मिल जाएगा। तो यार अब आपका समय ना गंवाते हुए सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल शॉप कैसे खोल सकते हो, इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, सामान कहां से आप खरीदोगे और बेसिक स्टॉक लिस्ट में कौन कौन से सामान को ऐड करोगे। तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। तो यार अगर आप कोई भी शॉप खोल रहे हो तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपके पास रोकड़ा कितना है, यानी आप अपना बजट निर्धारित कर लो। उसके बाद अगर आपका शॉप खुद का है तो आप आउटर में भी खोल सकते हो, मेन मार्केट में भी खोल सकते हो। लेकिन अगर आपका शॉप किराए पे ओपन करना चाहते हो तो भैया आपको लोकेशन मस्ट है, लोकेशन को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले भैया आपको कोशिश करना है कि आपका शॉप मेन मार्केट में होना चाहिए। इससे ये फायदा होता है कि मेन मार्केट में ट्रैफिक ज्यादा होता है, लोग पर्टिकुलरली शॉप पे खरीदने के लिए सामान जाते हैं और वहाँ पे भीड़ होने के कारण काफी लोग आपके शॉप पे चले जाते हैं, ऐसे ऐसे करके आपकी सेलिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो भाई हमने बजट निर्धारित कर लिया, हमने शॉप को लोकेशन देख लिया, अब क्या करना पड़ेगा, तो शॉप का इंटीरियर एंड डेकोरेशन करा लेना है। इंटीरियर एंड डेकोरेशन में क्या क्या करा लेना है, सबसे पहले भैया अपना वॉल वॉल फिनिशिंग बढ़िया करा लो, उसके बाद शो वॉल दिखा दो, एक लाइटिंग का शो वॉल होता है और भी चीजों का शो वॉल होता है, शो वॉल दिखा दो। उसके बाद रैक अच्छे से मेंटेन करा लो, रैक कुछ इस तरीके से बनवा सकते हो आप, वैसे कोई मस्ट नहीं है, आप अपने हिसाब से भी बनवा सकते हो, काउंटर चेयर ये सब अपने हिसाब से बनवा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आपका इंटीरियर डिजाइन का डेकोरेशन होना चाहिए। अब सीधा जान लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से लाइसेंस होने चाहिए। तो लाइसेंस में भाई आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। जीएसटी नंबर के लिए हमने एक साल पहले वीडियो बना रखा था, इसी चैनल पे अवेलेबल है कि जीएसटी नंबर कैसे लोगे, खुद से कैसे अप्लाई करोगे जीएसटी के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं एक नया वीडियो वैसे भी बनाने वाला हूं 2023 में जल्द से जल्द कि जीएसटी नंबर अपने मोबाइल फोन से कैसे अप्लाई करोगे, क्या क्या प्रोसेस होता है, सारी चीजें बताऊंगा। तो जीएसटी नंबर लेने के लिए आपके पास पर्सनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, पर्सनल डॉक्यूमेंट में आपका वही आधार पैन वही सब, एड्रेस प्रूफ में आप बिजली बिल वगैरह दे सकते हो। उसके बाद एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा सकते हो आप, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। वैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन पे मैंने एक वीडियो डिटेल में बना रखा है इसके पहले कि भाई उद्यम रजिस्ट्रेशन से क्या क्या फायदे हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कैसे करोगे। वैसे तो उद्यम रजिस्ट्रेशन मस्ट है भाई, कोई भी शॉप खोल रहे हो उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूर ले लेना, मैं तो ये तो कहूंगा। इससे ये फायदा होता है लोन वगैरह लेने में प्रॉब्लम नहीं होती, काफी आसानी से लोन वगैरह मिल जाता है, बाकी आपके पास एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ये सब चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। बाकी ट्रेड लाइसेंस ले सकते हो, लेबर लाइसेंस ले सकते हो, ऑप्शनल में बता देता हूं, आईएसओ सर्टिफिकेट ले सकते हो, पुलिस एनओसी ले सकते हो, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ले सकते हो, ये सब चीजें होती है। मार्जिन की बात कर लेते हैं, मार्जिन में भाई पहले क्या होता था 30-40% तक की मार्जिन मिल जाती थी 4-5 साल पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है, 5% भी मार्जिन मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग मार्जिन फिक्स है। तो भाई 5-20% तक का मार्जिन आपको मिल जाएगा इस बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट यानी लागत की बात कर लेते हैं, तो भाई अगर आप इंटीरियर पे खर्चा करोगे तो 2 लाख के करीब इंटीरियर पे खर्चा हो जाएगा आपका। अगर आपका पहले से इंटीरियर है तो आपका यहाँ इंटीरियर का खर्चा बच जाएगा। उसके बाद मटेरियल पे तो आपका मिनिमम 2 लाख तो लग ही जाएगा इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम 6 लाख कर सकते हो। अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हो तो भाई आपका 10 भी लाख लग सकता है, 15 भी लाख लग सकता है, कोई लिमिट नहीं तय है, लेकिन 2-6 लाख तक आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो आप जान लेते हैं आप मटेरियल कहाँ से खरीदोगे। मटेरियल खरीदने के लिए आप दिल्ली के मेन मार्केट से खरीद ही सकते हो, नेहरू प्लेस वगैरह है इसके लिए, या तो आप कानपुर से खरीद सकते हो, गुजरात से खरीद सकते हो, यहाँ सबसे ले सकते हो। अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन जाना है कि इस शॉप से यहाँ पे ले, तो कमेंट कर देना अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, हम बता देंगे आपके डिस्ट्रिक्ट से सबसे नजदीक मार्केट कौन है, होलसेल मार्केट कमेंट कर देना। तो मैं सजेस्ट वैसे करूंगा कि भाई अगर आपका इन्वेस्टमेंट 6-10 लाख है तो आप होलसेल में दिल्ली वगैरह से लो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है तो भाई आप लोकल होलसेलर से ही लो, क्योंकि भाई यहाँ पे सामान को वापस करने के जैसे जो गारंटी वारंटी वगैरह होता है ना, इसके लिए आपको नजदीक रहेगा, कोई भी वारंटी दिखाना है तो जाके होलसेलर से बात कर लो, ये ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है मशीन में, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया फैन वगैरह में। तो यार कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि स्टाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई अगर आप छोटे स्तर पे कर रहे हो तो आप खुद संभाल सकते हो, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट 6-10 लाख है यानी थोड़ा बड़ा स्तर हो गया आपका, तो भाई वहां पे एक स्टाफ रखना पड़ेगा। अगर आपके फैमिली मेंबर है 2-3 तो कोई दिक्कत नहीं, तो स्टाफ रखने की कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब चीजें हैं छोड़ दो आप। तो अब हम जान लेते हैं बेसिक स्टॉक लिस्ट के बारे में, कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा कौन कौन सा सामान आप रख सकते हो अपनी दुकान में। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसलिए बनाऊंगा कि अच्छे से आपको समझा सकूं, पीडीएफ के माध्यम से आपको बता सकूं और पीडीएफ भी प्रोवाइड करा सकूं, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है लिस्ट को। तो ये सब चीजें हैं, अगर कुछ समझ
समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर देना। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।